छात्रों और टीचरों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि फ्रांस में लॉकडाउन के दौरान खुले स्कूलों के अलावा अब अन्य बंद स्कूल भी खुलेंगे। सरकार ने कहा है कि इससे पहले 10 लाख छात्रों और टीचर्स का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। बता दें कि दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9.35 करोड़ के ज्यादा हो गया है। 6,67,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 20,01,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। फिलहाल फ्रांस में हालात 3 महीने पहले की तुलना में काफी बेहतर हो गए हैं। यहां सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला किया है। इसके पहले 10 लाख बच्चों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। यहां आपको बता दें कि फ्रांस ने 2 अहम फैसले लिए हैं। 3 महीने के सख्त लॉकडाउन के बाद अब सरकार यहां सभी स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। यहां लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौर में भी कुछ स्कूल खुले रहे थे। दूसरा फैसला यह है कि सरकार लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाएगी। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बारे में जल्द विस्तार से जानकारी दी जाएगी। हालांकि अब भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच पाबंदियां जारी रहेंगी। वहीं ब्राजील के अमेजन क्षेत्र में अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई पर असर हुआ है। इसके बाद राज्य सरकार ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। सरकार ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया जा रहा है ताकि नए संक्रमितों की संख्या कम की जा सके। गंभीर मरीजों को एयरलिफ्ट करके बड़े शहरों में शिफ्ट किया जाएगा। अमेजन के गवर्नर विल्सन लीमा ने कहा कि हम महामारी के सबसे मुश्किल दौर में हैं। मेडिकल सप्लाई पर गंभीर असर हुआ है। ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित होने से मरीजों की मुश्किलें खतरनाक स्तर पर पहुंच गई हैं। इसकी एक वजह यह है कि 15 दिन में मांग 5 गुना बढ़ गई है। अमेजन में शाम 7 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं गंभीर मरीजों को दूसरे शहरों में शिफ्ट किया जा रहा है। बताते चले कि दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9.35 करोड़ के पार हो गया है। 6,67,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 20,01,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं ये भी बताते चले कि ब्राजील के अमेजन क्षेत्र के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई पर काफी असर हुआ है। इसके बाद राज्य सरकार ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। सरकार ने कहा है कि कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया जा रहा है ताकि नए संक्रमितों की संख्या कम की जा सके। गंभीर मरीजों को एयरलिफ्ट करके बड़े शहरों में शिफ्ट किया जाएगा। अमेजन के गवर्नर विल्सन लीमा ने कहा कि हम महामारी के सबसे मुश्किल दौर में हैं। मेडिकल सप्लाई पर गंभीर असर हुआ है। ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित होने से मरीजों की मुश्किलें खतरनाक स्तर पर पहुंच गई हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि 15 दिन में मांग 5 गुना बढ़ गई है। अमेजन में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन। World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.